बारिश के गुरुग्राम के पास भोड़ाकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मीडिया कर्मियों के लिए आंतरिक सशक्तिकरण और तनाव प्रबंध विषय पर 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन से विधिवत किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में दिल्ली और NCR के अनेक मीडिया कर्मी सम्मिलित हुए। ब्रह्मा कुमारीज के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक BK सुशांत भाई के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक KG सुरेश, पायनियर के पूर्व संपादक प्रदीप माथुर, वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह व प्रोफेसर कमल दीक्षित जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षा ORC निदेशिका आशा दीदी ने अपने आशीर्वचन में सुनाया कि बेहतर पत्रकारिता के लिए हमें पहले स्वयं को सशक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि जितना मीडिया से जुड़े लोग तनाव मुक्त होंगे, उतना ही वो हर चीज को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। जगह जगह पे जो हम सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इसी के ऊपर ध्यान रखते हैं। और हम चाहते हैं कि मीडिया वालों के जीवन में और सुख शांति समृद्धि आया तो उन्हीं के द्वारा जो कंटेंट जो परिवेशित होगा तो वो भी सुख शांतिमय होगा और जनता की जो मन बुद्धि को भी इस रूप में वो रूपायित करेगा। एक चीज जो हम कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए, मैं बाहर किसी को चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहूँ परिस्थितियाँ बदल जाएं, मेरे अनुकूल हो जाएं, या परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएं, वो होने वाला नहीं है। वो रहेंगी, क्योंकि बीमारी थोड़ी गहरी है। आज यहाँ से आप बंद कर देंगे ना, कहीं और से आ जाएगी। बिकॉज हम सिम्टोमैटिक इलाज कर रहे हैं, रूट पर इलाज नहीं कर रहे हैं। जगह मिल गया। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मूल्यों में आए हुए परिवर्तन है, असल में उन मूल्यों के परिवर्तनों के पीछे हमको जाना पड़ेगा। अगर समाज के परिवर्तन के संदर्भ में, सकारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में अगर हमको सोचना है तो उस संदर्भ में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो उससे मैं एक बात, आप देखेंगे आमतौर पर ये बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़ी सभाएं लगती रहती हैं कि मूल्यनिष्ठ समाज होना चाहिए, परंतु आज हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य क्या है वो भी नहीं पता। आज के बच्चों को अगर पूछा जाए भारतीय संस्कृति जो दुनिया की मुकुटमणि के रूप में गाई और पूजी मानी जाती है, उसके मूल्य क्या थे, महात्मा गांधी का मूल्य क्या था। तो हम आपका सिर्फ यही आज सच पूछिए तो आए हैं ये कहने के लिए कि ये प्रयास जो है ना, ये अद्भुत संस्था है। हम इससे 15 साल से आते जाते रहे हैं। इन लोगों के चेहरे पे शांति देखिए, इनमें से सब मेरिटोरियस लोग हैं। ये जो सफेद पहन के घूम रहे हैं, इसमें से अधिकांश बहुत ही कोजी लाइफ छोड़ के आए हैं। एक IITian जब एक इसमें आ जाता है, या वो छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए सेवा करने निकल जाता है, तो आप जरा सोचिए उसकी क्वालिटी। और हम TT को पैसा देके या घूस देके दरोगा को अपना काम करा लेते हैं, हमारे उसके में कितना अंतर होगा। वो कौन है जो कि IIT करने के बाद 1 करोड़ की सैलरी सालाना छोड़ने हो रहा है। नई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, नई फाइनेंशियल पॉलिसी आ रही है, राजनीतिक चिंतन बदल रहा है, तो आप लोग और मीडिया को पुरानी दायरों से सब सोचते रहे या उसी के बारे में वही बातें करते रहे, किसी PT की ये है वो है, पुराने जमाने में ये होता था, ये एथिकल स्टैंडर्ड थे, अब ये हो गया है, फलाना गड़बड़ हो गया, तो उससे कोई काम होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बता दें, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पूरे भारत देश तथा नेपाल में चलाए जाने वाले मीडिया सशक्तिकरण अभियान का यह राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ। यह शुभारंभ संस्था के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय मीडिया डायलॉग के रूम में किया गया।